हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज़। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मटर मसाला राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और आप इसे लंच या डिनर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ये कितना ज़्यादा खिला खिला बना है, और ये सभी को पसंद आता है। मटर मसाला राइस बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई। उसमें 2 चम्मच तेल गरम किया है मैंने, और 2 तेज़पत्ते ऐड किए हैं, और 1 चम्मच जीरा, और 1/2 चम्मच हींग का यूज़ किया है, और उसके बाद 2 कटी हुई हरी मिर्च, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने कद्दूकस करके इसमें ऐड किया है। कुछ सेकंड के लिए स्टर करें, और उसके बाद ये हमने प्याज ऐड किया है जो कि एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे मैंने चॉप किया है, और इसे हमें भूनना है जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाता। अभी प्याज बिल्कुल तैयार है, इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट कर ऐड किए हैं, और ये साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। जब भी आप टमाटर डालें तो नमक को तुरंत डालें, जिससे टमाटर अच्छे से कुक हो जाता है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और 2 कप यहाँ पे हमने मटर का यूज़ किया है। मटर इसमें ज़्यादा डालें, मटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ में। और अब मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मीट मसाले का यूज़ किया है, ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मार्केट में इजीली आपको मीट मसाला मिल जाता है, इसे आप ज़रूर यूज़ करें, ये हमारे राइस में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और अब इसे हमें कुक करना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें, और अब इसमें से आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल छोड़ दिया है मसाले ने। तेल अच्छे से छोड़ देने से मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, और सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाती हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम राइस। ये मैंने 1 ग्लास राइस को 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, यहाँ पे मैंने बासमती राइस यूज़ किया है। और अब हम 2 बड़े चम्मच यहाँ पे घी को इसमें ऐड करेंगे। घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, घी को अभी ही ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। धीरे धीरे करके चावलों को मिक्स करें। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 ग्लास पानी, और अब इसे हम तेज़ आंच पर उबालेंगे पहले ढककर, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा इसे धीमा कर लेंगे और इसे 15 मिनट पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पे। बीच बीच से आप चेक भी कर सकते हैं। और 15 मिनट बाद ये चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे और अलग अलग बने हैं। पानी बस इतना ही डालें कि 1 इंच आप पानी जो है वो ऊपर रहे और चावल उसमें डूबे रहें। और अब इसे आप सर्व करें। और एंजॉय करें।
आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।